आप देख रहे हैं देवास का अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। क्या होता है डॉक्टर साहब? बहुत आसानी चीज बोल लेता, व्यवस्था भी तुम्हें बनाना देखना रहेगी। तुम्हारे सौंपे से किसी ने मुझे नहीं मालूम, बोलता मेरे को धमकी दे रहा है कैसा, आप मेरा इतिहास देख लीजिएगा। मैंने कहा साहब मैं इतिहास देखने के लिए नहीं बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ। सौंपे से की बात कर रहा है, मैं इतिहास देखने के लिए नहीं बैठा हूँ, आपको इतिहास रखना रस्ते रहिएगा। उस तरह का अधिकारी हूँ, मैं उस तरह का अधिकारी हूँ कि हम व्यवस्था को कैसे सुधार सकते हैं, कैसे चीजों को कोशिश कर। और बहुत सारी बात आती है, मैंने करने जाऊँ ठीक है ना, अपन भी समझते हैं। मैं नेताजी थोड़ी करना, वो तो हम प्रशासनिक पद पे बैठे, इसलिए हम कह रहे हैं। जैसा हमारा एक और निवेदन, अस्पताल आए सिमोचो से मिले, किस मामले को मिले और क्या है पूरा? सोमकच्छ में जो डेंगू की जांच और लेबोरेटरी का जो काम हुआ अव्यवस्था है उसके लिए विशेष तौर पे मिले कि सोमकच्छ में जांच के लिए उधर डेंगू की और अन्य जो साधारण जांचें हैं उसके लिए पैरा मेडिकल स्टाफ नहीं होने से समय पर नहीं हो पा रही है। जिला चिकित्सालय में भी एक दिन छोड़ के रिपोर्ट दी जा रही है डेंगू की और अन्य, तो उसके लिए सीएमओ साहब से निवेदन किया है। साथ ही स्लम एरिया अम्बेडकर नगर और कालूखेड़ी प्रताप नगर के लिए संजीवनी क्लिनिक की जो हमारी पुरानी मांग है उस मांग के संबंध में भी चर्चा की कि उस एरिया में पूर्व में भी संजीवनी क्लिनिक था, वहाँ संजीवनी क्लिनिक खोला जाए, उस संबंध में निवेदन किया है। क्या आश्वासन दिया अभी साहब ने? आपने कहा कि जल्दी ही आपकी मांगे जायज मांगे इसको जल्दी धरातल पर मूर्त रूप दिया जाएगा। साथ ही सीआर मशीन के लिए भी क्रिटिकल यूनिट चालू नहीं होने से छोटी छोटी दुर्घटनाओं में भी जिला अस्पताल से रेफर तुरंत किया जाता है, या तो मरीजों को प्राइवेट अस्पताल में ले जाना पड़ता है या इंदौर सीधा भेजा जाता है। इससे आर्थिक मार भी बहुत ज़्यादा मरीज के परिजनों को झेलना पड़ती है। हम काफ़ी समय से सीआर मशीन के लिए भी बार बार निवेदन कर रहे हैं कि कायाकल्प कर रहे हो अच्छी बात है, कायाकल्प से हमको कोई परहेज नहीं है, पर सीआर मशीन होकर ट्रामा सेंटर चालू हो, क्योंकि मध्य प्रदेश में शायद देवास ही ऐसा जिला है जहां ट्रामा सेंटर नहीं है। बड़ी शर्म की और हंसी की और दुख की बात है, तीनों शब्दों का एक साथ मेरे को बोलना पड़ रहा है कि ट्रामा सेंटर चालू नहीं होना अपने आप में एक बड़ी बहुत हमारे लिए दुखद और शर्म की बात है। हम जनप्रतिनिधियों से बार बार यही निवेदन कर रहे हैं कि वो बुनियादी ठोस काम करें, जो 30 वर्षों से देवास में नहीं हो पाया उस काम की तरफ ध्यान दें। बिल्डिंग को कायाकल्प कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारी, कोई उसमें हम उसका विरोध भी नहीं कर रहे, पर जैसे सुपरमार्केट में जब ये बिल्डिंग दी गई थी जिला अस्पताल को जगह प्राधिकरण को, तब भी कहा गया था कि यहाँ 20 सिटी में एक डिस्पेंसरी खोली जाएगी जो आज तक नहीं खोली गई। तो बुनियादी जो मांगे हैं, जो शहर को 20 से 25 साल पहले मिलना थी जिले और शहर को, वो नहीं मिल पाई है, बड़ा चिंता का विषय है। और सब जनप्रतिनिधि जो वर्षों से यहाँ जनता उन पर विश्वास करके चुन कर भेज रही है, हमेशा उनको मौका दे रही है सेवा करने का, उन लोगों से भी आपके माध्यम से निवेदन है कि वो बुनियादी काम करें, ना कि सिर्फ फोटो खिंचाने का और उद्घाटन का और गेटों के रंग रोगन का, सिर्फ मूर्तियों का आवरण का। इससे कोई ठोस जनता को फायदा होने वाला नहीं है। क्या नाम है आपका? रितेश त्रिपाठी। त्रिपाठी मित्र मंडल, आज आपको अवगत कराया, किस लिए अवगत कराया और क्या है पूरा? उनके द्वारा एक ट्रॉमा सेंटर के लिए सीआर मशीन देने के लिए कहा गया था, तो मैंने कहा आप अगर देते हैं सहर्ष स्वागत है आपका। सीएसआर मत से या आम जनता के द्वारा कोई अगर स्वास्थ्य सेवा में वृद्धि की जाती है तो वो दें, हमें उनका स्वागत है। और हमने उनको बताया है क्रिटिकल केयर के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। सोनकच्छ की कुछ समस्याओं के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो मैंने उनको इधर बताया सोनकच्छ में हाल ही अपग्रेडेशन हुआ है और वहाँ सिविल हॉस्पिटल स्वीकृत हो चुका है 50 बिस्तरी, वहाँ पर स्टाफ की भी नियुक्ति शीघ्र ही होगी और इस तरह से वहाँ की समस्याओं का निवारण होगा।